मैं इधर लोगों को इंजेक्शन लगाता रहा यार, आज मुझे बुरे लगे, देख सकते हो ग्रिप वगैरह लगी यार आज। जैसे भाई थोड़ी हेल्थ ठीक होती है तो वैसे ही घर से निकलेंगे, थोड़ा व्लॉग वगैरह शूट करेंगे, क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। जैसे कि गाइस आप सोच रहे हो 3-4 दिन व्लॉग नहीं आया, तो भाई लोग मैं हॉस्पिटल आता था, साथ में थोड़ा बीमार हो गया था यार। तो भाई लोग आज जो है फाइनली मुझे ड्रिप लगी है हॉस्पिटल में, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ड्रिप देख लो। तो भाई लोग मुझे स्पेशल रूम मिला हुआ है हॉस्पिटल की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, थैंक यू उनका बहुत बहुत। हम भी यार जनता के लिए काम करते हैं भाई लोग, जैसे कि हम सब के लिए भाई काम करते हैं। तो आज हम मेरे को प्रॉब्लम मेरी, मैं भी इधर ही होता हूँ काफ़ी डेली इधर ही होता हूँ, तो भाई लोग आज मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जहाँ मेरे को ड्रिप वगैरह, ये ड्रिप वगैरह लगी हुई है, ड्रिप वगैरह लगी हुई है, ये देख सकते हो भाई लोग। तो यार मेरे को 3-4 दिन से मतलब होश नहीं थी, फिर मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो मेरा बीपी जो है ना, बीपी इतना लो आ गया था, 80 ऊपर वाला और 60 नीचे वाला था, तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होगी, साथ में प्लेटलेट्स भी कम थोड़े हो गए थे। भाई लोग अभी जो है ये ड्रिप चढ़ रही है, मुझे ड्रिप लगी है बस निकलने वाली, फिर हम चलते हैं घर। तो 4-5 दिन आपको व्लॉग देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो भाई उसके लिए सारी तो प्रे करना कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और आपके लिए सही से सही व्लॉग कंटेंट लेके आएँ। और भाई लोग अब मैं आपको ये रूम वगैरह दिखा देता हूँ, रूम वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये आप रूम देख सकते हो, ये अरसलान भाई बैठे हुए हैं मेरे साथ आए हुए हैं, ये आज बोले तेरे को ड्रिप लगनी, तेरे साथ चलता मैं। तो यार ये देखो, ये रूम देख सकते हो, मम्मा भी आए हुए हैं साथ में। तो भाई लोग अभी इस रूम में मेरे को रखा हुआ है और कोई पेशेंट भी नहीं है, कोई लगी आगे मैं इधर लोगों को इंजेक्शन लगाता रहा यार, आज मुझे खुद लग रहे हैं, ये देख ही सकते हो ड्रिप वगैरह लगी हुई है यार। आज मेरे को लगता है डेंगू हो गया, मेरा डेंगू नहीं हुआ था, उससे मेरे सारे जो है प्लेटलेट वो कम हो गए थे, साथ में ब्लड प्रेशर भी कम है। तो गाइस अभी 3-4 दिन के बाद मिलते हैं आपको। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, तो यार मैं सीट पर लेटा हुआ हूँ पूरा आराम से, तभी ये वीडियो आगे की शो नहीं हो रही है, 0.5 पे रखा हुआ है। तो भाई लोग अभी मैं पहले रेस्ट करूँगा 3-4 दिन अच्छी तरह से, जब तक ठीक नहीं होता तब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा, क्योंकि घर वाले भी नहीं अलो करेंगे। जैसे भाई थोड़ी हेल्थ ठीक होती है तो वैसे ही घर से निकलेंगे, थोड़ा व्लॉग वगैरह शूट करेंगे, क्योंकि चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है, तो सब्सक्राइबर भी आपको पता ही है 2K से कंप्लीटेड जो है वो हो गए हैं, तो अभी 3K का टारगेट है, 3K करवा दो, साथ में मोनेटाइज करवा दो चैनल। तो 3K पे भाई आपको सरप्राइज़ देंगे, पहले भाई के लिए सब दुआ करो, प्रे करो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो फिर आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो भाई अभी सीधा घर जाना, घर जा कर रेस्ट करनी है, तो फिर जिस दिन ठीक होंगे उस दिन ब्लॉग आएगा। भाई लोग जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आ रहा था वापस जैसे कि हॉस्पिटल में आपको पता था, तो यार मेरे को रास्ते में ये झंडा मिला, तो मैंने ये लगाया ऊपर गाड़ी के, ये भाई लोग एक बार देख लो, आज जितने भी बंदे हैं ना, ईद है ना आज, ईद के हर बंदे ने अपनी गाड़ी पे भाई ईद वाला ये वाला झंडा लगाया हुआ है। तो भाई लोग बड़ा ही मज़ा, मतलब आज बड़ा बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, सुबह भी यार मैं बीमार था तो उसकी वजह से यार जान पाए, देख लो भाई झंडा का कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इसको गाड़ी में रख देता हूँ।